गुड मॉर्निंग, आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। आज जो इस चैनल पर नए आए हैं, मैं उनको बता दूं, ये है मैथमेटिक्स प्रोफेशनल चैनल, जहाँ पे हम मैथ के टॉपिक्स को आसान और प्लेवे मेथड से प्रेजेंट करते हैं, ताकि आपके मन से मैथ का जो डर है खत्म हो सके। आज का टॉपिक है डेसिमल नंबर्स, मतलब दशमलव संख्या। अगर अज का टॉपिक तुसी समझना है तो तुहानू वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। एक भी विच मिस हो गया तो विचों कंसैप्ट खराब हो जूगा। तो कहंदे ना, कंसैप्ट समझ आ गया तो सारा कुछ समझ। इसका मतलब सानू पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और वैसे एक और इंटरेस्टिंग गल है कि अज की साड़ी वीडियो विच खान पीन दीआं चीज़ां भी है, ठीक है, स्टेशनरी का समान भी है। तो हुण इस चीज़ां दा इस टॉपिक नाल की संबंध है, आइयो देखते हैं। चलो, मैं सब तो पहला इरेजर्स लैनी है। मेरे कोल किन्नियां रबड़ है, एक, दो, ठीक है जी, तीन, चार ते पांच। पांच इरेजर्स है जी, मैं दिखावा तो हुण ये पांच चो मान लो मैं एक येलो वाली इरेजर लै ली, ठीक है। तो मेरे कोल पांच इरेजर सी, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच इरेजर सी। उन्दे जो मैं एक इरेजर ले ली, तो इसका मतलब मेरा हिस्सा किन्ना हो गया। मैं जो हिस्सा लिता उन्दी जो मैं वैल्यू कड्डा, मुल कड्डा, तो किन्ना हो गया, एक बटे पांच। मतलब पांच मतलब टोटल किन्निया सी रबड़ा, एक मैं एक रबड़ लिती है। जे मैं दो हिस्से लिते होंगे फिर मेरा आ जाता सी इत्थे दो बटे पांच, क्योंकि मैं पंजा चो दो चीजा लैनी है तो दो बटे पांच मेरा हिस्सा होना सी, ठीक है। हुण एवें गल है, आ है मेरे को भुजिए दे पैकेट। पहले आप काउंट करते हैं किन्ने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सत, अठ, ते आरे दो, नौ ते दस। दस बाबा जी दे भुजिए दे पैकेट है, ठीक है जी। हुण इस दसा जो मैं दो लाई, ठीक है, तक मेरे को किन्ने बच गए, अठ बच गए, है ना। तो इसका मतलब मेरे को दस सी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सत, अठ, नौ ते दस, ठीक है जी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सत, अठ, नौ, दस। या इन्हों पर इधर इधर बना लिए, सीक्वेंस बन जूगा। लो जी, आ दस अपने कोल कारे पैकेट से भुजिए दे, उन्दे जो मान लो मैं दो पैकेट ले ले, ठीक है। तो हुण जिन्ना हिस्सा मैं लिता उन्दा मुल की आ गया, दो बटे दस। यानी कि दसा विचो दो हिस्से मैं ले ले, दो चीजा मैं ले लिया, इनू कहने दो बटे दस। तो हुण इनू आपां पॉइंटां च किवें कहांगे, इसका मतलब जो आपां पॉइंट लियाने हैं, हुण आपां पॉइंट करना सीख चुके हैं कि थले एक जीरो है तो उपरों एक नंबर छड़ के पॉइंट लाना, यानी कि पॉइंट दो आ गया। तो इसका मतलब पॉइंट का मतलब की है, जो आप दसवां, सौवां, हजारवें हिस्से की वैल्यू दिखाने हैं, ठीक है। तो अज का साडा यही टॉपिक है कि डेसिमल का एक्चुअल जो मीनिंग की है, तो वो देख रही हैं। मान लो मैं एक नंबर लैन लगी हाँ, तीन पॉइंट चार अठ। आप हूँ एक एग्जाम्पल लै रहे हैं, तीन पॉइंट चार अठ। इनका डेसिमल का मतलब की है, प्लेस वैल्यू की है, जिवें आपां सिंपल नंबर प्लेस वैल्यू देखी सी, तां इनके पॉइंटा वाली रकम च प्लेस वैल्यू की मतलब है, किन्नवा हिस्सा आपां उह देखांगे। आपां मान लो अगे भी ला लैने हैं, लो जी आ ला लिया। हुण अगले नंबर की प्लेस वैल्यू सानू पता है, मैं वीडियो भी बनाई सी, जे नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चों दा लिंक दे दूंगी। इत्थे उपर भी देख रहे होंगे तुसी लिंक, उनू टच करो तो तुसी इस वीडियो नू देख सकते हो। लेकिन आपां नू फिर भी पता है, इनू आपां कहने इकाई, ठीक है जी, इनू आपां कहने दहाई मतलब नब्बे, ते इनू आपां कहने सैकड़ा यानी कि हंड्रड। वंस, टेंस, हंड्रड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही कहने ना, पांच सौ नब्बे तीन, यानी कि पांच सौ रुपया प्लस नब्बे रुपए प्लस तीन रुपए। इसे तरह का इधर की मतलब है, हुण आपां ये देखना है। तो पॉइंट तो बाद जिहड़ी पहली रकम हुंदी है इनू कहने दसवां हिस्सा,
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਭੁਜੀਏ ਦੇ ਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਪੈਕਟ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਪੈਕਟ ਲਿੱਤੇ ਉਹ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 8 ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਚੋਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਇੱਥੇ 100 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ 8 ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਓ 5 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 6, 9, 8, 4, 2, 3, 7 लो जी आवे ठीक है जी हम इन आप ठीक है जी इधर आ गया टेंस यानी कि आ गया दहाई उस तो बाद आ गया 100 ते इधर की आ गया सैकड़ा पंजाब विच इधर की आ गया वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड इधर की आ गया हजार आ गया हुन इधर चलिए ये आ गया अपने को वन टेंथ यानी कि दसवां उस तो बाद वन हंड्रेड हंड्रेड यानी कि सौवां हिस्सा तो इस तो बाद एक हिस्सा हो रहा है इतने लिख दिनी है वन थाउजेंथ यानी कि हजारवां हिस्सा हजारवां ठीक है जी हुण आपां इत्थे लिखदे हां की आऊगा आह पॉइंट तो पहला रकम इकाई वंस प्लेस ते आ रहा 4 आह दहाई टेंस प्लेस ते 8 आह सैकड़ा 100 प्लेस ते 9 आह हजार 1000 प्लेस ते 6 हुण पॉइंट तो बाद वाली रकम आ की है दसवां हिस्सा यानी कि 1 टेंस यानी कि 2 ठीक है जी ते एवें ये 100वां हिस्सा 3 1000वां हिस्सा किन्ना है 7 यानी कि 10 च 2 चीजां लितियां इत्थे 100वां च 3 चीजां लितियां इत्थे 1000वां च 7 चीज लिती हुण इहनू लिखांगे किवें यानी कि 2/10 ए 3/100 ए 7/1000 ए चारोवें 80, 900, 6000 प्लेस वैल्यू 6,980, 4, 2/10, 3/100, 7/1000 इन्हां दी प्लेस वैल्यू हुण इहनू जे आपां खोल के लिखना होवे क्वेश्चन आंदा है कि इन्हां नू एक्सपेंडेड फॉर्म च लिखो तां किवें लिखांगे हुण आपां उह देख लैणे ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 8 × 100 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਲੱਸ 9 ਆ ਦਹਾਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਸ ਪਲੇਸ ਤੇ 9 × 10 ਪਲੱਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੰਸ ਪਲੇਸ ਤੇ 8 × 1 ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ 6 × 1/10 मतलब दसवां हिस्सा ता 1/10 प्लस 4 की है 100वां हिस्सा ता 4 × 1/100 ता की बन गया अपने कोल 8 नु 100 ना गुना करना है मैं हमेशा कहनी है 10 100 1000 ना गुना करने लई पेन पेपर दी लोड़ नहीं किनियां जीरो है 2 पूरी रकम जिथे 2 जीरो है 2 ला दी ਹੁਣ 8 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 8 × 1 ਐਵੇਂ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਰਕਮ 'ਚ 1 0 ਲਾ ਦੇ 9 × 1 = 9 ਪਲੱਸ 8 × 1 = 8 ਪਲੱਸ ਹੁਣ 6 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 6/10 ਪਲੱਸ 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 4/100 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਆਮ ਹੈ 800 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ 90 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਪਲੱਸ 8 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ 898 ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਸਵੇਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 100ਵਾਂ ਜੋ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ 6×4 ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ
शर्त यही है, साड़ा मकसद यही है तुहाडे कंसैप्ट नू क्लीयर करना, क्योंकि आपां कोई भी क्रैमिंग किसी भी चीज दी आपां क्रैमिंग थोड़े टाइम दी हुंदी है, अल्टीमेटली कंसैप्ट जे समझिया होगा तां असीं उहदी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकदे हां। बिना समझे कंसैप्ट नू असीं आम प्रैक्टिकल सिचुएशन च आम जिंदगी च नहीं वरत सकदे, ठीक है जी। तां चलो एक होर क्वेश्चन लिख लैने, कोई भी लिखते हैं। 9400 लो जी प्लस 376, ठीक है जी, आ रकम लिख ली। हुण इहनूं एक्सपेंडेड फॉर्म च लईए तां की लिखांगे, तां पहलां आपां लिखांगे 9, या पहलां पिछों शुरू करो, ठीक है जी। 1 इकाई है यानी कि 1 नूं 1 नाल, प्लस आ दहाई है 5 नूं 10 नाल, आ की है 1000 है यानी कि 100 है, तां 4 नूं 100 नाल, ठीक है जी। तां आ की है 1000 है, 1000 है तां 9 नूं 1000 नाल, लो जी, ठीक है जी। हुण इधर चलिए, ये दसवां दा तीन हिस्सा तां 3/10, या इहनूं ऐवें लिखो, पहली बार स्टेटमेंट नूं किवें लिखो, 3 × 1/10 प्लस आ सौवां चो 7 लिता है, पहला दसां चो फिर सौवां चो, इत्थे इक वाला है नहीं, जिवें इत्थे इकाई है फिर दहाई है फिर सैकड़ा, इत्थे सीधा 10, दसवां, सौवां, हजारवां, तां 7 × 1/100, फिर 6 × 1/1000, ठीक है जी। हुण 9000 प्लस 4 × 100 नाल किन्ना कीता, 400 प्लस 50 प्लस 1 × 1 प्लस 3/10, 3 × 1 = 3, 10 थले ओवें, प्लस 7 × 1 = 7 थले 100 ओवें, प्लस 6 × 1 = 6 नीचे 1000 ओवें। हुण इहनूं वापस चैक करिए किन्ना बनदा है, 9000 च 400 जोड़े किन्ना हो गया, 9400 हो गया, 9400 च 50 रुपए होर जोड़ ले तां किन्ना हो गया, 9450 हो गया, 9450 ਦਾ 1 ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 9455 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਟੇ 10 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਓਨੇ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 7 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, 2 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ 0.07 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ 0.006, ਇੱਧਰ 0.3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 3, 7, 6 ਹੀ ਬਣੂ, ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, 0.3 ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 0.07, 0.006, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, 6 ਬਣ ਗਿਆ, 7 ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਬਣ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬਣਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਵੰਸ, ਟੈਂਸ, ਹੰਡਰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਥ ਪਾਰਟ, ਹੰਡਰਡਥ ਪਾਰਟ, ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਥ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।